हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है और आगे इसी से रिलेटेड अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, आगे इस वीडियो में किन किन टॉपिक को बताने वाला हूँ पहले जान लेते हैं। ज्योग्राफी क्या है, ट्वेल्थ के बाद कौन से कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कौन से कोर्स कर सकते हैं, एडमिशन कहाँ मिलेगी, आपके अंदर आवश्यक स्किल क्या क्या होने चाहिए, जॉब की क्या संभावनाएँ हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आइए जानते हैं ज्योग्राफी क्या है। दोस्तों, ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें अलग अलग देशों, जलवायु, जंगलों, पहाड़ों, नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ता है। धरती और उसके आसपास पाए जाने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा जाता है। एक बात ध्यान रखिए, ज्योग्राफी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक ज्योग्राफर साइंटिस्ट की भूमिका अदा करता है। इस विषय से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप कभी बोर फील नहीं होंगे। अगर आप इस अर्थ से रिलेटेड कुछ नया जानना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं तो भूगोल ऑनर्स आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है। अब जानते हैं ट्वेल्थ के बाद कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, आप ट्वेल्थ करने के बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से कॉलेज ग्रेजुएशन कोर्स करवाते हैं। कुछ कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट के बाद एडमिशन मिलती है तो कुछ के ट्वेल्थ के मार्क्स बेस पर एडमिशन मिल जाती है। दोस्तों, दो तरह के कोर्स हैं, बीए इन ज्योग्राफी और बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी। इन दो कोर्स में से किसी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिए कि दोनों कोर्स 3-3 साल के हैं। अब जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद आपको इसी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पीजी करने के बाद करियर के कई रास्ते खुल जाते हैं। दो कोर्स बता रहा हूँ, पहला है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन ज्योग्राफी और दूसरा है मास्टर इन ज्योग्राफी। इन दोनों में से कोई एक कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, आप पीजी डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा इन ज्योग्राफिकल कार्टोग्राफी कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स 1 साल का है। ध्यान रखिए कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने की भी सलाह दी है। दोस्तों, अब जानते हैं एडमिशन कहाँ मिलेगी। एडमिशन की बात करें तो देश के बहुत सारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी है जहां एडमिशन मिलती है। आप जिस शहर में रहते हैं वहां एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप जहां भी एडमिशन लेंगे वहां की पढ़ाई बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि आपके खुद के बदौलत ही जॉब मिलेगी। इसलिए पढ़ाई जहां हो वहीं एडमिशन लेना। कुछ यूनिवर्सिटी के नाम बता रहा हूँ जो ज़्यादा फेमस है। सबसे पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़। एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा। बीआईटी मिश्रा, रांची। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर। जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर में है। अब जानते हैं आपके अंदर आवश्यक स्किल क्या क्या होने चाहिए। दोस्तों, इस कोर्स के करने के अलावे आपके अंदर कई तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज, लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग, आंकड़ों व समस्याओं को सुलझाने का कौशल होना चाहिए। आप शारीरिक रूप से एकदम फिट होने चाहिए, क्योंकि आपको कई जगह किसी भी वक्त घूमना पड़ेगा। दोस्तों, आपके अंदर इन सभी गुणों का होना बेहद आवश्यक है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अब जानते हैं जॉब की क्या संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में जॉब की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, बस आपके अंदर लगन और ललक होनी चाहिए। इन दोनों वर्ड में बहुत कुछ छुपा है। अगर आप सही से इस ज्योग्राफी ऑनर्स कोर्स कर लेते हैं तो जॉब की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि आपके नॉलेज और स्किल से जॉब की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों में काम की अधिकता है। वहीं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रयोग में बढ़ोतरी के कारण प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ी है। वहीं ट्रांसपोर्टेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान, एयरलाइन रूट, जनसंख्या परिषद, शिपिंग रूट प्लानिंग जैसे डिपार्टमेंट में करियर शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। इस फील्ड में अच्छी सैलरी मिल जाती है,
डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस फील्ड में लगी है। सरकारी एजेंसी की तुलना में प्राइवेट एजेंसी ज़्यादा सैलरी देते हैं। शुरू में 15 से 20 हज़ार महीने की सैलरी मिलती है, वहीं धीरे धीरे आपके काम और अनुभव के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी भी होती जाती है। कुछ सालों में ही 30 से 35 हज़ार की सैलरी मिलने लगती है, जबकि हाई पोस्ट पर पहुंचने के बाद 1.25 लाख रुपए महीने मिलने लगती है। ज्योग्राफी के क्षेत्र में आपको विदेश में भी जॉब लग सकती है, यहाँ के प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये तो थी ज्योग्राफी से रिलेटेड करियर संबंधित बातें। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।